स्वागत है फिर से आपका 9 बजे स्टडी लैब्स पर। कल हमने देखा था कि कैसे यासुकी चैन पहली और आखिरी बार पेड़ पर चढ़ा था। आज का चैप्टर है बहादुरी की परीक्षा। वो क्या है जो डरावना है, जिससे बदबू आती है पर जिसका स्वाद अच्छा है। बच्चों को यह पहेली इतनी पसंद थी कि उत्तर जानते हुए भी तोतो चैन और उसके साथ ही एक दूसरे से यही पहेली बूझते न थकते। क्या डरावना है जिससे बू आती है वाली पहेली मुझसे पूछो। उत्तर था शौचालय में बैठा भूत जो मीठी रोटी खा रहा हो। और जिस तरीके से तोमोए में शौर्य परीक्षण हुआ उसकी भी एक अच्छी पहेली बनती। वो क्या है जो डरावना है, खुजली करता है और सबको हंसाता है। जिस रात सभागार में शिविर प्रारंभ हुआ था, तंबू लगे थे, उसी रात को हेडमास्टर जी ने घोषणा की थी, हम एक रात कोहन बुत्सु मंदिर में जाकर बहादुरी की परीक्षा करेंगे, जो भूत बनना चाहे हाथ उठा दे। 7 लड़कों में भूत बनने की होड़ लगी। जब निश्चित शाम को बच्चे स्कूल में इकट्ठा हुए तब भूत बनने वाले बच्चे अपने साथ अपनी अपनी हाथ से बनी पोशाकें लाए थे। तैयार होकर वे कोहन बुत्सु मंदिर के बाग में जा छुपे। हम तुम लोग को इतना डराएंगे कि तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, उन्होंने चलते चलते कहा था। बाकी बचे हुए कोई 30 बच्चे 5-5 की छोटी टुकड़ियों में बट गए। थोड़ी थोड़ी देर के अंतर पर वे कोहन बुत्सु की ओर चले। उन्हें मंदिर परिसर और फिर कब्रिस्तान के चारों ओर चक्कर लगाकर स्कूल पहुंचना था। हेडमास्टर जी ने यह तो पहले ही समझा दिया था कि बहादुरी की परीक्षा थी तो ज़रूरी, पर अगर कोई बच्चा पूरा रास्ता तय किया बिना भी स्कूल लौट आएगा तो भी कोई बात नहीं है। तो चैन माँ से टॉर्च मांगकर लाई थी। खोना मत, माँ ने देते समय कहा था। कुछ बच्चों ने कहा था कि वे भूतों को पकड़ेंगे, इसीलिए वे अपने साथ तितलियां पकड़ने की जालियां लेते आए थे। दूसरों ने कहा था कि वे भूतों को बांध देंगे, इसीलिए वे रस्सियां साथ लेते आए थे। जब तक हेडमास्टर जी ने बच्चों को पूरी बात समझाई और बच्चों की टुकड़ियां बनी तब तक अंधेरा हो चला था। बच्चे उत्तेजना में हल्ला गुल्ला करते स्कूल के दरवाजे के बाहर निकले। आखिर तोतो चैन की टुकड़ी के बाहर निकलने का समय आया। हेडमास्टर जी ने बता दिया था कि कोहन बुत्सु तक पहुंचने के पहले उन्हें कोई भूत नहीं मिलेगा, पर बच्चों को बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ और वे डरते ठिठकते ही मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे। द्वारपाल की तरह देव राजाओं की बड़ी मूर्तियां दिखने लगी। चांदनी होने पर भी मंदिर स्थल बड़ा अंधेरा था। दिन में यही जगह बच्चों को भली लगती थी, पर रात में, खासकर तब जब कभी भी कोई भूत कहीं से निकल आने वाला था, उन्हें वह जगह डरावनी लगने लगी। हवा से पेड़ों में सरसराहट हुई। कोई बच्चा उई कहकर चीखा, किसी दूसरे का पैर किसी मुलायम सी चीज से टकराया और वो भूत आया कहकर चिल्ला पड़ा। डर इतना बड़ा कि जिस साथी का हाथ थामे बच्चा चल रहा था उसके ही भूत होने की आशंका होने लगी। तो चैन ने तय कर लिया कि वह किसी भी हालत में कब्रिस्तान तक नहीं जाएगी, क्योंकि उसी जगह तो भूत होने की आशंका थी। और फिर बहादुरी की परीक्षा होती कैसे है यह भी तो उसे पता चल गया था। उसने सोच लिया कि अब लौटा जा सकता है। उसकी टुकड़ी के दूसरे बच्चे भी इसी निर्णय पर अब तक पहुंच चुके थे। उसे तसल्ली थी कि यह निर्णय उसका अकेले का ना था। वे सब जितनी तेजी से उनके पांव उन्हें ले जा सकते थे उतनी तेजी से भागे। स्कूल लौटने पर उनसे पहले निकली बाकी टुकड़ियों को भी उन्होंने वहीं पाया। पता चला कब्रिस्तान तक पहुंचने की हिम्मत किसी की भी नहीं हुई थी। ठीक उसी समय सर पर सफेद कपड़ा ओढ़े एक बच्चा रोता हुआ शिक्षक के साथ दरवाजे से अंदर घुसा। वो उन भूतों में से था जो कब्रिस्तान में छुपकर बच्चों के आने का इंतजार कर रहे थे। वहां तो कोई पहुंचा ही न था। धीरे धीरे उसे स्वयं इतना डर लगने लगा कि वह रोते हुए भागा। रास्ते में इंतजार करते शिक्षक उसे साथ ले आए। सब बच्चे उसे चुप कराने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक और रोता हुआ भूत एक रोते हुए लड़के के साथ वापस लौटा। यह भूत भी कब्रिस्तान में दुबका बैठा था। अचानक किसी के भागने की आहट आई। जो आया था उसे डराने, जैसे ही वह उछला कि दोनों की टक्कर हो गई। दर्द और डर के मारे दोनों हाथ थामे उल्टे भागे। बच्चों को उनकी बातें इतनी हास्यास्पद लगी कि वे तनाव से उभरे और उभरते ही हंसने लगे। रोने वाले भूतों का हाल अजीब था, वे कभी हंसते कभी रोते। कुछ देर बाद तोतो चैन का एक सहपाठी मिगता वापस लौटा। उसने अखबार के कागज का मुखौटा लगाया हुआ था। वो बेहद नाराज था कि उसके पास कोई पहुंचा क्यों नहीं। मैं इतनी देर इंतजार करता रहा,
उसने अपने हाथों और पैरों को खुजलाते हुए शिकायत की। ढेरों मच्छरों ने उसे काट खाया था। अरे देखो तो भूत को ही मच्छर ने काट लिया, किसी ने कहा। एक बार फिर सब खिलखिलाने लगे। अब मैं बाकी भूतों को भी ले आता हूँ, पांचवी शिक्षक के कक्षा के शिक्षक श्री मारुयामा ने चलते हुए कहा। उन्हें कुछ परेशान भूत सड़क की बत्ती के नीचे मिले। कुछ के बारे में पता चला कि वे डर के मारे घर भाग चुके हैं। वे उन सबको इकट्ठा कर स्कूल में ले आए। उस रात के बाद तोमोए के बच्चे भूतों से नहीं डरे, क्योंकि उन्हें भूतों को खुद डरते हुए जो देखा था। आज बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे अभ्यास कक्ष। पढ़ रहे हैं तेत्सुको कोरियोनागी की बेस्ट सेलर किताब तोतो चैन।